एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ईशा आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक और बढ़िया सी रेसिपी। मॉनसून के मौसम में हम खुद को पकौड़े खाने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हेल्दी जरूर खा सकते हैं, है ना? इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोटीन से भरपूर ये डिश। और अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये बेस्ट रेसिपी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक खीरा, जिसको पील करके हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, ये देखिए। और अब मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, इसको भी हम बारीक कट कर लेंगे। और अब मैंने लिया है यहाँ पे एक टमाटर, इसको भी हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम होममेड पनीर। पनीर बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन के लिए, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसको ज़रूर डालें, इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और इस पनीर को भी हम छोटे पीसेस में ही कट करेंगे, ये देखिए। तो ये हो गया है। मैंने यहाँ पे ली है हरी धनिया, जिसको मैं इसकी जो पतली वाली स्टेम्स होती है उसके साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है एक हरी मिर्च, जिसको मैं ऐसे लंबाई में कट कर रही हूँ। और ये है एक नींबू, इसे भी कट कर लेते हैं। मैंने लिए थे मूंगफली के दाने, कच्चे दाने हैं, आधी कटोरी मैंने पानी में भिगो दिए थे इसको रात भर के लिए, उसके बाद इसको वॉश कर लेते हैं। मूंगफली के दाने बहुत अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन के लिए, और अगर आप इनको इस तरह से ओवरनाइट सोक करके इस्तेमाल करते हैं ना, तो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये मैंने वॉश कर लिया है, इसको निकाल लेते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी अंकुरित किए हुए देसी चने, मैंने इनको घर पे ही अंकुरित किया है, आप भी कोशिश करें घर पे ही करने का, बहुत इजी प्रोसेस है। इसको आप चनों को रात भर के लिए पानी में भिगो दें, उसके बाद सुबह किसी भी कॉटन के कपड़े को धो के निचोड़ लें और उसके बाद उसमें ये चने डाल दें और कहीं भी टांग दें। जब भी आपको लगे कि पानी कम हो रहा है या इस कपड़ा सूख रहा है तो थोड़ा पानी और छिड़क दें, इस तरह से आपके चने अंकुरित हो जाएंगे। और ये हैं काबुली चने, मैंने लिए थे आधे कटोरी काबुली चने, रात भर पानी में फुला दिया था और उसके बाद सुबह मैंने इसको प्रेशर कुकर में बॉईल किया है थोड़ा सा नमक डाल के। और ये देखिए मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो इजीली प्रेस हो रहा है, तो इतना ही बॉईल करना है। और ये मैंने सारा सामान जो है ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो फिर चलिए अपने सैलेड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो काबुली चने के साथ मैं इसमें ऊपर डाल रही हूँ ये अंकुरित किए हुए देसी चने, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मूँगफली के दाने सोख किए हुए, और ये बारीक कटा हुआ प्याज, और ये गया इसमें खीरा, साथ ही अब बारी है इसमें डालने की टमाटर, और अब ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक स्वाद अनुसार, और ये एक छोटी चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये नींबू का रस, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और हमने इसमें किसी भी प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही हेल्दी रखा है इसको। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, इसका नमक और खट्टा वगैरह सब कुछ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पनीर के क्यूब्स। तो पनीर हमने पहले नहीं ऐड किया था, क्योंकि हमने पनीर की जो ओवर मिक्सिंग है उसको अवॉइड किया था। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, और ये देखिए अब मैंने इसको निकाल लिया है एक सर्विंग बोल में, और इसमें मैं लगा रही हूँ ये हरी मिर्च, आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्रोटीन से भरपूर और बहुत हेल्दी प्रोटीन सैलेड बनके तैयार है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, वेट लॉस के लिए तो बेस्ट रेसिपी है। और रेसिपी अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।